सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान की राजनीतिक दलों के साथ साथ महिला और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है। गौर हो कि मुलायम ने बलात्कारियों को दी जाने वाली मौत की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सूली पर लटका दिया जाए। लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को तीन को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में, अब सोचिए आप। बस इसके बाद मानो भौंचाल आ गया, चारों तरफ आलोचना होने लगी और सबके निशाने पर मुलायम आ गए। इस पर भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने मुलायम पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई नेता बलात्कार जैसे अपराध के बारे में ऐसा बयान देता है। रेप के कानून को डाइल्यूट करने वाले अटेम्प्ट जो श्री मुलायम सिंह यादव ने बात किया है उसको भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है। एक तरफ आप रेप के कानून को डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप महिलाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि आप रिपोर्ट करने के लिए ना जाना, क्योंकि अगर वो साबित नहीं होता आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। वहीं एनसीडब्ल्यू की सदस्य शमीना ने भी कहा कि ये निहायत ही घटिया बयान है। वहीं समाज सेवी किरण बेदी ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।